जब जब आईपीएल की बात होती है तब तब सफल कप्तानों के नाम के तौर पर गौतम गंभीर का नाम जहन में आता है। गौतम गंभीर की अगुवाई में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दो बार साल 2012 और 2014 में चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। गौतम गंभीर कोलकाता से पहले आईपीएल में दिल्ली की तरफ से खेला करते थे, लेकिन 2011 के ऑक्शन के दौरान कोलकाता की टीम ने उन्हें खरीद कर टीम की कमान सौंपी। गंभीर की कप्तानी के बाद से टीम के प्रदर्शन में काफी सुधार आया। 27 और 28 जनवरी को एक बार फिर आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की जाएगी। इस बाबत गंभीर ने कहा, मुझे नहीं पता मैं कोलकाता का हिस्सा रहूंगा या नहीं, और अभी तक टीम प्रबंधकों ने मुझसे इस बारे में बात भी नहीं करी। आपको बता दें, गंभीर इस समय कमाल के फॉर्म में है। उन्होंने दिल्ली की टीम को रणजी ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। गंभीर ने आईपीएल 2018 को लेकर कहा कि दिल्ली मेरा होम टाउन है और कोलकाता मेरे दिल के बहुत करीब है। बता दें कि आईपीएल 2018 के लिए खिलाड़ियों का ऑक्शन 27 और 28 जनवरी को बेंगलुरु में होने वाला है। अगर कोलकाता की टीम उन्हें रिटेन नहीं करती है तो ऐसे में एक बार फिर फ्रेंचाइजी उन पर बड़ा दाव खेल सकती है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।